की तैयारी भोनापुर विधानसभा क्षेत्र में आपका कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, हमारे तैयारी पूरे जोर शोर से है। हर पंचायत, हर टोला, हर प्रखंड में, हर जगह कोई भी क्षेत्र छूटे ना, इस बार हम लोगों को परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है, बदलाव चाहते हैं यहाँ के लोग। सर, अभी भोनापुर का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है जो विगत डेढ़ दशक से तुलसीदामर माइंस बंद पड़ा है, यह हेमंत सोरेन की सरकार और बीजेपी की सरकार दोनों को देख चुकी है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हेमंत सोरेन की सरकार इसमें कहाँ से आती है? हेमंत सोरेन तो आधारशिला रखा। जब 2009 में मैं इस क्षेत्र का विधायक था, तब हेमंत सोरेन प्रयास हमने किया, पावर प्लांट था, पावर प्लांट का आधारशिला रखा, सारी फॉर्मेलिटीज हम लोगों ने पूरा कर दी। लेकिन चुनाव हारने के बाद यहाँ के वर्तमान विधायक ने दिलचस्पी नहीं लगाई और ठंडे बस्ते में डाल दी, और एक प्रतिनिधि का ही दायित्व बनता है कि वो सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करें और इसको पावर प्लांट को आगे बढ़ाएं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि भोनापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी का इसमें कोई दिलचस्पी रहा। तो मैं इतना मैं जरूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री अभी नॉमिनेशन में आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, पावर प्लांट का काम शुरू। प्रधानमंत्री गढ़वा में आ रहे हैं, अपना प्रचार करने आए हैं, अपने कैंडिडेट का प्रचार करने आए हैं। हमारे लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए गढ़वा में, और कल्पना सोरेन जी भी आए, यहाँ भी आएंगी। तो सब अपने अपने पार्टी में लोग लगे हुए हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। सर, अभी पत्रकार सुरक्षा, यदि भोनापुर की जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहला आपका कौन सा प्राथमिकता होगा? सबसे पहले पलायन को हम प्राथमिकता देंगे। बेरोजगार नौजवान कई वर्षों से भटक रहे हैं, और बेरोजगार नौजवान को सिर्फ व्यवस्था चाहिए कि अपने परिवार में रहकर हम अपना व्यवस्था कर सकें, पालन पोषण कर सकें। इसलिए हम लोग पावर प्लांट के लिए लगे हुए हैं कि पावर प्लांट का निर्माण शुरू होगा और बेरोजगार नौजवान को हम व्यवस्था दे सकें। यही मेरी प्राथमिकता है, प्लान को रोकना हमारी प्राथमिकता। सर, यदि यहाँ की जनता आपको मौका देती है और झारखंड में आपकी सरकार बनती है, तो सर पत्रकार के लिए कोई सुरक्षा कानून नहीं है, इसको लेकर के आप सदन में आवाज देखिए? बिल्कुल, सदन में आवाज उठाएंगे। हर तबके के लोगों को, जैसे वकील साहब लोगों को व्यवस्था भी हमारी सरकार दी, उनको भी व्यवस्था देने का काम किया, उसी तरह पत्रकार लोगों के लिए भी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और आने वाले भविष्य में अगर इस क्षेत्र का मैं विधायक बनता हूं तो निश्चित रूप से इसका आवाज उठाएंगे। सर, भानु प्रताप शाही विगत 15 सालों से इस क्षेत्र के विधायक रहे, उनके कार्यकाल में भोनापुर विधानसभा क्षेत्र का कितना विकास हुआ? भोनापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीकरण के आधार पे 3 बार के विधायक रहे, समीकरण के आधार पे, ऐसा समीकरण बना उनके पक्ष में कि हम लोग आपस में लड़ते रहे, उनका फायदा भानु जी उठाते रहे। इस बार समीकरण इनका जो है नजर नहीं आ रहा है, ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद यही कर रहे हैं। इनके पास विकास नाम का चीज, व्यवस्था नाम का चीज, नौजवान बेरोजगार को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, 15 साल तक कहते रहे कि सीमेंट फैक्ट्री खुलवाएंगे, आज तक सीमेंट फैक्ट्री का नामो निशान नहीं। तो निश्चित रूप से बदलाव भोनापुर विधानसभा में चाहती है, और बदलाव होगी, परिवर्तन होगी। और जिस तरह से माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अपने विधानसभा में, गढ़वा विधानसभा में तस्वीर बदलने का काम किया है, उसी तरह हमें मौका मिलेगा तो उसी तरह गढ़वा के तर्ज पर भोनापुर विधानसभा का भी तस्वीर हम लोग देंगे। क्या बीजेपी डर चुकी है? मतलब देश आजाद होने से पहली बार इंदिरा गांधी का गढ़वा जिला में आगमन हुआ था, और अबर बार देश के प्रधानमंत्री को उतरना पड़ रहा है, क्या यहाँ जो आप लोगों ने विकास की लकीर खींची, क्या इसको देखकर वे डर चुके हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा है, तो ये शब्द जो डरने वाला शब्द आप जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से सब समीकरण अपने अपने पार्टी के लोग तरीके से करते हैं कि हम कहाँ किस क्षेत्र में कार्यक्रम कराएं। लेकिन पहली बार गढ़वा में, पलामू में ये आते थे कार्यक्रम में, लेकिन पहली बार जो है देखने को मिला है कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी गढ़वा आना पड़ा। कुछ ना कुछ तो निश्चित रूप से बात है, और इनको संभावना भी है, इनको सूचना भी मिला है कि कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस विधानसभा में कमजोर है, क्या स्थिति है। तो निश्चित रूप से जो है हम यही कहेंगे कि इस बार पता नहीं क्या कारण था कि गढ़वा में आए हैं, तो निश्चित रूप से उनको अनुभव प्राप्त हुआ। सर, अंतिम सवाल,
हमारे चैनल के माध्यम से भवनाथपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भवनाथपुर की जनता को यही मैं संदेश दूंगा कि जिस तरह से मैया का सम्मान दिया माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से बिजली बिल माफ किया, जिस तरह से सावित्रीबाई फुले देने का काम किया, जिस तरह से 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया, 2 लाख केसीसी लोन माफ करने का काम किया, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, 60 साल से 50 साल वृद्धावस्था पेंशन को करने का काम किया। तो मेरा एक संदेश है, मेरा एक अपील है कि इस बार आप परिवर्तन कीजिए, बदलाव कीजिए और इस झारखंड में फिर से दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए और मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।